तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, चलिए वीडियो पे चलते हैं। एंड तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना स्पीच दिए। एंड यहाँ पर हमारे पास है ये 100 वोल्ट के वाइट वाले बल्ब, और इसको रखने वाले हैं हम इस गैस सिलेंडर के ऊपर, और देखते हैं क्या होने वाला है। आप देख सकते हैं 5 से 6 बल्ब हैं मेरे पास। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। आपको पता है जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं या बल्ब लगाते हैं होल्डर में, तो ये बहुत ज़्यादा ग्लो करता है एंड इसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो ये अंदर से हीट होने पर ब्लास्ट नहीं होता है, देखते इसको जब बाहर से हीट देंगे तो। तो यहाँ पर हम अपना सेटअप रेडी कर लेते हैं पूरा, इसको ऊपर रख करके तैयार कर लेते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो एक्सपेरिमेंट है हम पूरा सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के साथ और अच्छे से कर रहे हैं आपको नॉलेज देने के लिए। तो आप ऐसा घर पे ट्राई मत कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स भी लगा दिए हैं। एंड एक बार फिर बता देता हूँ, डोंट ट्राई इट एट होम। तो चलिए अब हम अपने स्टोव में आग जला लेते हैं और देखते हैं क्या होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखिएगा, केवल 2 मिनट की वीडियो, आप इतना सपोर्ट तो कर ही सकते। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई इतना बड़ा या खास धमाका तो नहीं हुआ, बट आप यहाँ साफ देख पा रहे होंगे कि हमारे जो बल्ब हैं वो किस तरह क्रैक हो चुके हैं। सो फ्रेंड, इनको 20 से 30 मिनट हो चुके हैं इस चीज़ को होने में, एंड ये बहुत ज़्यादा अब गर्म हो रहे हैं। तो चलिए इनको पानी में भी डाल के देख लेते हैं क्या रिएक्शन होने वाला है यहाँ पर। फ्रेंड्स, वीडियो में 1% भी मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शायद आपको वीडियो इतनी अच्छी नहीं लगेगी होगी जैसे कि अमित भाई और दिलराज भाई बना पाते हैं, तो कोशिश करेंगे हम भी, एंड आप सपोर्ट प्लीज़ कीजिएगा। तो चलिए अब इनको पानी में ले लेते हैं।